नमस्कार, विजन आईएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्ष 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देश में प्रवासन के लिए मजबूर हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन एवं बाल श्रम से जुड़े 10 गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण पर रोक लगाई और इस अंक में ये भी जानेंगे कि क्या परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से एक और महामारी फैल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा की और असम सरकार ने विदेशी विषयक अधिकरणों को निरोध और निर्वासन पर परिणामी आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन इस सदी का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और उसी से जुड़ी है ये खबर। आपको बता दें कि हाल ही में विश्व बैंक ने एक नई ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्ष 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देश में प्रवासन के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जैसे जलवायु परिवर्तन आंतरिक प्रवास का एक शक्तिशाली चालक है क्योंकि इसका लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अत्यधिक वल्नरेबल स्थानों पर निवास करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक आंतरिक जलवायु प्रवास के विभिन्न हॉटस्पॉट्स उभर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट्स वर्ष 2050 तक प्रसारित और गहन हो जाएंगे। इस तरह के प्रवासन के हॉटस्पॉट्स ग्रामीण, शहरी और तटीय प्रणालियों में ज्यादा होंगे। वर्ष 2050 तक उप सहारा अफ्रीका में आंतरिक जलवायु शरणार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। वैश्विक उत्सर्जन को कम करने और हरित, समावेशी और लोचशील विकास का समर्थन करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई से जलवायु संबंधी प्रवास के मामलों को 80% तक कम किया जा सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं के बारे में। हालांकि इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे जलवायु संबंधी प्रवास को बढ़ावा देने वाले जलवायु जनित दबाव को कम करने के लिए विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए, दूरदर्शी हरितार्थ और समावेशी विकास योजना में जलवायु संबंधी प्रवासन को एकीकृत किया जाना चाहिए, प्रवासन से पहले, प्रवासन के दौरान और प्रवासन के बाद प्रत्येक चरण के लिए योजना बनाई जानी चाहिए ताकि सकारात्मक अनुकूलन एवं विकासात्मक परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा नीतिगत प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रतिमानों और परामर्श के माध्यम से जलवायु संबंधी प्रवास के चालकों की समझ विकसित करने में निवेश करना चाहिए। अगली खबर भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन ये पेपर टू से भी संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन और बाल श्रम से संबद्ध 10 गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण पर रोक लगा दी है। ये आदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें 10 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और यूरोपीय एनजीओज को पूर्व संदर्भ श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध करके इनके वित्त पोषण को प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 का उपयोग करते हुए इस श्रेणी में रखा गया है। पीआरसी यानी पूर्व संदर्भ श्रेणी के तहत सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि इन प्राप्तकर्ता एनजीओज को अब प्राप्त होने वाले सभी विदेशी अंशदानों को गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। कई पर्यावरण संबंधी एनजीओज द्वारा सरकार की मिथ्या छवि प्रस्तुत करने और उनके भारत के विकास कार्यों में बाधक प्रतीत होने की वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। उदाहरण के लिए कोयला उत्खनन का विरोध करना और सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान बढ़ाने का दबाव डालना। भारत में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के माध्यम से गृह मंत्रालय एनजीओज तथा अन्य संगठनों को प्राप्त विदेशी धन की निगरानी करता है। एफसीआरए ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार के किसी भी अभिदान से देश की आंतरिक सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एफसीआरए को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था और कई प्रावधानों के साथ इसे और अधिक कठोर बना दिया गया था। एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में धन के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया। विदेशी निधियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यय को 50% से घटाकर 20% किया गया। पंजीकरण के लिए आधार, जबकि विदेशियों के लिए ओसीआई कार्ड और पासपोर्ट को अनिवार्य किया गया। संक्षिप्त जाँच के माध्यम से विदेशी निधियों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार को शक्तियाँ प्रदान की गयी।
अगली खबर भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आधारित है। क्या स्थायी तुषार यानी कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से एक और महामारी फैल सकती है? स्थायी तुषार भूमि यानी कि परमाफ्रॉस्ट को ऐसी भूमि, मृदा, शैल या किसी भी प्रकार का हिमयुक्त या कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में होती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की नवीनतम रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि बढ़ते भूमंडलीय तापन की वजह से आर्कटिक स्थायी तुषार भूमि में कमी आएगी। साथ ही हिम के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि स्थायी तुषार भूमि में कुछ जीवाणु और विषाणु हजारों वर्ष तक निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं। स्थायी तुषार भूमि की हिम के पिघलने से ये रोगाणु पर्यावरण में प्रसारित हो सकते हैं और नए रोगों के संक्रमण के कारक सिद्ध हो सकते हैं। स्थायी तुषार भूमि यानी परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के अन्य और भी कई प्रभाव हैं, जैसे आर्कटिक में आधारिक संरचनाओं की धारण क्षमता में गिरावट आ सकती है। इस हिम के पिघलने से उत्पन्न जल से मृदा नष्ट हो सकती है। ये कार्बनिक पदार्थों, पोषक तत्वों तथा प्रदूषण सहित अन्य विलेयों के परिवहन में वृद्धि कर सकता है। इन्हें नदी या समुद्री जल द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। स्थायी तुषार भूमि 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्व के लगभग 15% भूभाग पर आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध में हिम मुक्त भूमि क्षेत्र का 24% स्थायी तुषार भूमि के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग साइबेरिया, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में विस्तारित है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश किसान स्थानीय बाजारों में ही अपनी उपज का विक्रय करते हैं और सरकारी एजेंसियां बहुत कम खरीद करती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें दौर के आंकड़े परिवारों का भूमि और पशुधन स्वामित्व और कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन शीर्षक से जारी किए गए थे। इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक उपज के विक्रय के लिए स्थानीय बाजारों को प्राथमिकता दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों ने अपनी उपज का 55 से 93% स्थानीय बाजारों में बेचा है। कृषि उपज विपणन समिति बाजारों में बिक्री की सीमा 3% से 22% के बीच रही है, जबकि सरकारी खरीद में ये सीमा 2% से 14% के बीच रही है। दूसरा मुख्य बिंदु है कि APMC बाजारों और सरकारी एजेंसियों को बेची गई फसलों का हिस्सा, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी धान, गेहूं और गन्ने की थी। और तीसरा अहम मुद्दा है अपनी उपज के प्रतिफल से किसानों में संतुष्टि। सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकांश किसान प्राप्त प्रतिफल से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य फसलों की तुलना में निम्न बाजार मूल्य एवं विलंबित भुगतान आदि की वजह से दलहन के संबंध में संतुष्टि स्तर कम है। अब आपको बताते हैं कि किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए हाल ही में कौन से उपाय किए गए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, ये किसानों को उनके निर्दिष्ट जिलों के APMC बाजारों से बेहतर उपज के विक्रय की अनुमति प्रदान करता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से बाजार के साथ उनकी अंतःक्रिया का उन्नयन होता है। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, किसानों के लिए मौखिक या लिखित अनुबंधों के माध्यम से अनुबंध कृषि में जुड़े होने के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा के तहत मूल्य समर्थन योजना आरंभ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा की गई है। विनियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित या परीक्षण विनियामक परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है। इसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए विनियामकीय छूट की अनुमति प्रदान कर सकते हैं या नहीं। विनियामक सैंडबॉक्स सावधानी पूर्वक निगरानी करते हुए और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए बाजार सहभागियों को नए वित्तीय नवाचारों के लाभों एवं जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है। तीसरे कोहोर्ट का विषय MSME उधार है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में खुदरा भुगतान विषय के साथ प्रथम कोहोर्ट के लिए और वर्ष 2020 में सीमा पार से भुगतान विषय के लिए दूसरे कोहार्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। विनियामक सैंडबॉक्स के कई लाभ हैं, जैसे कि ये विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, नवोन्मेषकों और फिनटेक कंपनियों और ग्राहकों सहित सभी पक्षों पर करते हुए सीखने को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये व्यापक और अधिक महंगी शुरुआत की आवश्यकता के बिना उत्पाद की व्यवहार्यता के परीक्षण की अनुमति देता है। फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते हैं
जो महत्वपूर्ण तरीके से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की वर्धित श्रृंखला, अल्प लागत एवं वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बेहतर परिणाम सुलभ करवाता है। असम सरकार ने विदेशी विषयक अधिकरणों को निरोध और निर्वासन पर परिणामी आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के तहत विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 जारी किया गया। इसके अनुसार विदेशी विषयक अधिकरण का गठन इस मुद्दे पर परामर्श देने के लिए किया गया था कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है या नहीं। हालांकि विदेशी विषयक अधिकरण के सदस्य परामर्श देते समय परिणामी आदेश या निर्देश पारित कर रहे थे। विदेशी विषयक अधिकरणों के बारे में बात करें तो इन अधिकरणों को दो प्रकार के मामलों के लिए अधिदेशित किया गया है। पहला है वे जिनके विरुद्ध मामला सीमा पुलिस द्वारा संदर्भित किया गया है, और दूसरा वे जिनके नाम मतदाता सूची में संदिग्ध के रूप में संदर्भित किए गए हैं। विदेशी विषयक अधिकरण की अध्यक्षता एक सदस्य करता है। ये एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, नौकरशाह या अधिवक्ता हो सकता है जिसे कानूनी पेशेवर के रूप में कार्य करने का 7 वर्ष का अनुभव हो। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय में विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 में संशोधन किया गया था। इसके तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिलाधीशों को ये निर्धारित करने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया था कि भारत में अवैध रूप से निवास करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं। इससे पहले विदेशी अधिकरण का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास थी। विदेशी विषयक अधिकरण पहली बार विशिष्ट रूप से असम के लिए वर्ष 1964 में स्थापित किए गए थे। देश के शेष हिस्सों में अवैध रूप से रहने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक विदेशी व्यक्ति पर स्थानीय न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है और बाद में उसे निर्वासित किया जा सकता है या निरोध केंद्रों में भेजा जा सकता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया। ये डायलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका भारत एजेंडा 2030 साझेदारी के दो मुख्य बिंदुओं में से एक है, जिन्हें अप्रैल 2021 में घोषित किया गया था। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के 3 स्तंभ होंगे। आगामी दशक में उत्सर्जन को कम करने के उपायों का पर्यवेक्षण करने के लिए जलवायु कार्रवाई स्तंभ, परिवहन, भवनों और उद्योग में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप निर्मित करने के लिए स्तंभ, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने और बृहद पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए वित्त को आकर्षित करने में सहयोग करने के लिए वित्त स्तंभ। आरईएक्स मैक 2 ये एक मानव रहित स्थलीय प्लेटफॉर्म है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जटिल परिस्थितियों में सैनिकों को होने वाली क्षति से बचाना है। आरईएक्स मैक 2 युद्ध क्षेत्रों में गश्त कर सकता है, घुसपैठियों की निगरानी कर सकता है और गोलियां दाग सकता है। ये खुफिया जानकारी एकत्र करने, सैन्य सहायता प्रदान करने, घायल सैनिकों को ले जाने और दूरस्थ हमले करने में लड़ाकू सैन्य बलों की सहायता कर सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT द्वारा सफल समाधान योजना में परिवर्तनों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि NCLT को प्रस्तुत की गई लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना को संशोधित या वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वार्ता का एक और नया स्तर तैयार करेगा। उच्चतम न्यायालय ने ये भी निर्दिष्ट किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को IBC द्वारा निर्धारित 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित DFI शीघ्र ही परिचालन में आ जाएगा। DFI यानी विकास वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 के तहत बनाया जाएगा। DFI का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त के प्रवाह को सुगम बनाना है। इससे पहले भारत ने वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा वर्ष 1964 में भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की थी। 1990 के दशक के बीच से DFIs का क्रमिक पतन आरंभ हो गया था। भारत
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित अन्य को भी आधार ई केवाईसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राहक के आधार नंबर को सत्यापित करने की अनुमति दी जा सकती है। आपको बता दें कि ये अनुमति केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की जाती है। उसके अनुसार UIDAI द्वारा जारी आधार सत्यापन लाइसेंस KYC प्रयोगकर्ता एजेंसी लाइसेंस या उप KUA के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक NBFCs और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं द्वारा आवेदन किया जा सकता है। कोयला परियोजनाओं ने मिशन मोड के तहत हरित आवरण क्षेत्र में वृद्धि की। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की नई परियोजनाएं भूमि को दोबारा उसके मूल आकार में ला रही हैं, साथ ही अपनी कोयला खनन गतिविधियों के साथ साथ आसपास के हरित आवरण क्षेत्र को भी बढ़ा रही हैं। कोयला खनन संचालन के बाद उत्खनित भूमि को भरने के साथ साथ सघन वृक्षारोपण पर भी बल दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के प्रभाव को काफी हद तक कम करने और कार्बन ऑफसेट को बढ़ाने में भी मदद मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ओपन कास्ट कोयला परियोजना में इस उपाय को कार्यान्वित किया जा रहा है। फास्टैग आधारित पार्किंग सेवाएं, इसे पेटीएम द्वारा पहली बार दिल्ली मेट्रो पार्किंग में काउंटर पर नकद भुगतान करने के लिए रुकने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया है। फास्टैग राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित सभी टोल प्लाजाओं पर निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने के लिए वाहनों के लिए 1 दिसंबर 2017 से अनिवार्य डिजिटल स्टिकर है। इसके द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का उपयोग किया जाता है और ये 5 वर्षों के लिए वैध है। इस कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निगमित एक कंपनी और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लागू किया जा रहा है। हिंदी दिवस 2021, इसे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा को संरक्षित रखने और इसका अनुरक्षण करने के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में ये वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में प्रावधान किया गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हालांकि भारत में हिंदी को शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।